ये पीला कलर है जो पीताम्बरी है, ये गुरु का ही रंग है, क्योंकि ज्योतिष एक धर्म है, धर्म का ही अंग है। कुल सबसे अनुरोध करूंगी कि आप यज्ञ को अपनाएं, अपनी दिनचर्या में यज्ञ को ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि कोई भी कार्य गुरु की अनुकंपा से ऊपर नहीं हो सकता है। बिल्कुल जो हमारा धर्म है, जो हमारी साधना है, बिल्कुल वैज्ञानिक है और तार्किक है। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में है, और धर्मनगरी में हम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का महाकुंभ है, और महाकुंभ का जब नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ज्योतिष के महापंडित महाज्ञानी यहाँ पर हैं। और अब हमारे साथ बात करने के लिए शिव साधिका माँ विश्व रूपा हमारे साथ है। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, शिव शिव जी। आप जानना चाहेंगे माँ, ज्योतिष महाकुंभ में आज आप पहुँचे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो आयोजक हैं हमारे अश्वनी गौतम जी, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि ज्योतिष एक धर्म है, धर्म का ही अंग है। तो और जो धर्म नगरी में अगर ऐसा कार्यक्रम होता है तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक शिव साधिका माँ स्वरूपा के बारे भी जानना चाहेंगे, वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मैं शिव साधिका माँ विश्व रूपा दिल्ली में रहती हूँ, मेरा निवास स्थान दिल्ली में ही है, और हमारा एक आश्रम हम चला रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य करती हूँ, यज्ञ पद्धति के लिए एक बार फिर जागृति विश्व में लाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी के कहर से हम पिछले 2-3 सालों से जूझ रहे हैं, इसी को देखते हुए हमारे पास यज्ञ पद्धति से बेहतर मेडिसिन कोई हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल सबसे अनुरोध करूंगी कि आप यज्ञ को अपनाएं, अपनी दिनचर्या में यज्ञ को ज़रूर लेकर आएं। माता विश्व रूपा हैं और पीताम्बर आपने धारण किया है, इसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल, पीताम्बर अगर आप कहेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य गुरु की अनुकंपा से ऊपर नहीं हो सकता है, और सभी जानते हैं जो ये पीला कलर है, जो पीताम्बरी है, ये गुरु का ही रंग है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करे, अपने गुरु को साथ धारण करके चले, तो यही एक कारण है कि मैं पीताम्बर को धारण करती हूँ। माता, अगर हमारे दर्शक जुड़ना चाहें आपके आश्रम से, ज्ञान साधना लेना चाहें, तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली मुंडका में हमारा रानीखेड़ा वहीं पास में है, हमारा आश्रम है मुंडका मेट्रो स्टेशन से उतर के, जैसे ही आप रानीखेड़ा बस स्टैंड पे आएंगे, शिव साधिका माँ विश्व रूपा आश्रम के नाम से वहाँ हमारा आश्रम है, आप आ सकते हैं। और बड़ा ही तार्किक तरीके से हम अध्यात्म की तरफ एक लौ जगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लोग विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं। बिल्कुल जो हमारा धर्म है, जो हमारी साधना है, बिल्कुल वैज्ञानिक है और तार्किक है, हर किसी बात का हम तर्क दे सकते हैं। तो यही प्रयास करते हैं कि जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास जितने भी प्रश्न हैं, अनभिज्ञ प्रश्न है जिनको वो ढूंढते रहते हैं, उनका देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप सबका स्वागत है, आप आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तो शिव साधिका माँ विश्व रूपा थे, और बड़ी शालीनता से वो बात करते हैं, और धर्म को वैज्ञानिकता के साथ वो प्रमाणित करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई संख्या है, कोई संकोच है धर्म के प्रति, आप आस्तिक है या आप नास्तिक है, तो आप एक बार वहाँ पर जरूर जाइएगा और उनसे मिलिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलने में वो सक्षम है और वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।